ओप्पो कंपनी के मोबाइल में सिस्टम क्लोन कैसे बनाएं, सेकेंड स्पेस कैसे बनाएं और कैसे यूज करें, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको करना है कि आपके मोबाइल में जो सेटिंग एप्लीकेशन है इसे आप ओपन करेंगे। तो सिंपल सा मोबाइल के सेटिंग में आना है। मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी का। तो सिंपल सा यहाँ पर आप प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिस्टम क्लोनर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें बस इस पर आप क्लिक करेंगे। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल में जो स्क्रीन लॉक पासवर्ड लगा हुआ है उसे यहाँ पर मांगा जाएगा। तो अपना स्क्रीन लॉक पासवर्ड यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो यहाँ पर सिस्टम क्लोन के लिए काम करेगा। तो आप यहाँ पर सिस्टम क्लोन के लिए जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हो उसे ड्रॉ करेंगे। अगेन यहाँ पर ड्रॉ करके कंफर्म करेंगे। तो ये जो पासवर्ड है यहाँ पर सेकेंड स्पेस के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी लगाने के लिए बोल रहा है, आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी अपना सेकेंड स्पेस यानी कि यहाँ पर सिस्टम क्लोन ओपन कर सकते हैं, बट इसे हम यहाँ पर स्किप करते हैं। स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम क्लोन हमारा बन चुका है। यहाँ पर सिस्टम क्लोन क्रिएटेड शो कर रहा है। इंटर सिस्टम क्लोन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम क्लोन ओपन हो जाएगा। मोबाइल यहाँ पर एक बार बंद होगा, उसके बाद मोबाइल में जो यहाँ पर दो पासवर्ड काम करेगा। तो मोबाइल यहाँ पर बंद हो चुका है। अब यहाँ पर मोबाइल आप ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल में दो पासवर्ड यहाँ पर वर्क करेगा। पहला पासवर्ड आप इंटर करेंगे तो आपके मोबाइल में जो पहला सिस्टम था वह ओपन होगा, एंड दूसरा पासवर्ड इंटर करेंगे जो भी हमने सेट किया था तो यहाँ पर सिस्टम क्लोन यानी कि दूसरा सिस्टम ओपन होगा। जैसे कि हम यहाँ पर पहला जो स्क्रीन लॉक पासवर्ड था उसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पहला सिस्टम था मोबाइल का वह ओपन होगा। तो यह रहा पहला सिस्टम जो कि मोबाइल में जो डिफॉल्ट सिस्टम था वह यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया था सिस्टम वन में देखने को मिल जाएगा। यहीं पर हम यहाँ पर सेकेंड स्पेस के लिए यानी कि सिस्टम क्लोन के लिए जो पैटर्न हमने यहाँ पर सेट किया था उसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो है सिस्टम क्लोन ओपन हो जाएगा, जो भी हमने यहाँ पर सिस्टम क्लोन बनाया वह यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप से यहाँ पर सेकेंड स्पेस यानी कि सिस्टम क्लोन देखने को मिल रहा है। और इसमें प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था वह यहाँ पर शो नहीं करेगा। एंड यहाँ पर सेटिंग में आएंगे, प्राइवेसी में आएंगे, उसके बाद सिस्टम क्लोन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो डाटा है यहाँ पर फोटो वीडियो सिस्टम वन का यहाँ पर इम्पोर्ट करना चाहे सेकेंड स्पेस में यानी कि सिस्टम क्लोन में इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम क्लोन है इसमें यहाँ पर मोबाइल का जो डिफॉल्ट जो सिस्टम का एप्लीकेशन रहता है वह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब आपके मोबाइल में दो पासवर्ड वर्क करेगा, पहला पासवर्ड सिस्टम वन के लिए और दूसरा पासवर्ड सिस्टम क्लोन के लिए। इस टाइप से आप एक मोबाइल में दो सिस्टम बना सकते हैं, दो सिस्टम यूज कर सकते हैं। सिस्टम टू बनाने का यहाँ पर फायदा यह रहता है कुछ एप्लीकेशन वगैरह अगर हम हाइड करना चाहें तो सिस्टम टू में हाइड करके रख सकते हैं। इस टाइप से ओप्पो कंपनी के मोबाइल में आप सिस्टम क्लोन बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।